हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लव यू जिंदगी एंड आई एम प्रिया। गाइस, अगर आपने मेरा अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम बनाने जा रहे हैं सूजी का हलवा। सूजी का हलवा वैसे तो लोग प्रसाद में बनाना पसंद करते हैं और कुछ लोग इसे डेजर्ट में भी बनाते हैं स्वीट डिश के तौर पर। तो चलिए देखते हैं सूजी का हलवा बनाने के लिए हमें किस किस इन्ग्रीडियंट की जरूरत पड़ेगी। सूजी का हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी सूजी ली है, आप देख सकते हैं। एक कटोरी चीनी ली है। इसका हमें बहुत ही बैलेंस बना के रखना होगा। जितनी हमारे पास सूजी होगी उतनी ही हम चीनी लेंगे। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो आप चीनी को कम कर सकते हैं। एक गिलास मैंने यहाँ पर दूध लिया है, मिल्क। आप चाहें तो इसे पूरी तरह पानी में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर दूध और पानी दोनों मिक्स करके बनाऊँगी। यहाँ मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यहाँ मेरे पास किशमिश है, बादाम लिए हुए हैं जिसे मैंने चॉप कर लिया है इस तरह से, और यहाँ काजू लिए हुए हैं, इन्हें भी मैंने चॉप करके रख लिया है। यहाँ मैंने देसी घी लिया हुआ है। अगर आप चाहें तो ऑयल में बनाना चाहें, रिफाइंड में या ऑलिव ऑयल में, आप उसमें भी बना सकते हैं। तो हम सूजी का हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर पैन रखा हुआ है, गैस को मैं ऑन करूंगी। और ये जो हमने सूजी ली हुई है इसे हम डायरेक्टली भूनेंगे। हमें गोल्डन होने तक सूजी को भूनना है और ध्यान रखिएगा सूजी को लगातार चलाते रहेंगे वरना सूजी नीचे से जल जाएगी और लग जाएगी। हमें इसे गोल्डन करना है, इसी तरह से लगातार चलाएंगे और इसे गोल्डन होने का वेट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं सूजी का कलर चेंज होने लगा है, ये हल्की सी ब्राउन होने लगी है। इसी तरह हम सूजी को लगातार चलाते रहेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी का कलर आ गया है हल्का गोल्डन। इसे दो मिनट और ऐसे ही चलाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी हमारी भुन गई है और ये गोल्डन ब्राउन हो गई है बिल्कुल, और इसे हम निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें इसे नहीं भूनना है। यहाँ मैंने एक प्लेट ली हुई है, इसमें मैं सूजी को निकाल लूँगी। ये देखिए सूजी को निकाल लिया है। ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी को हमें कुछ इस तरह भूनना है, इस कलर में। इससे ज़्यादा नहीं भूनना है वरना हलवा बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ मैंने एक पैन लिया हुआ है, गैस को मैं ऑन करूँगी। और इस पैन में हम, क्योंकि हमारे पास एक कटोरी सूजी थी, इसी कटोरी से मैंने सूजी नापी हुई थी, और इसका हम तीन गुना पानी लगाएंगे। ध्यान रखिएगा गाइस, बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है हलवा बनाते वक्त, तभी परफेक्ट हलवा बनेगा। अगर हमारे पास जितनी सूजी है हम उसका तीन गुना पानी लगाएंगे। ये एक कटोरी सूजी थी, इसका तीन गुना पानी लगाइए या दूध लगाइए जिसमें आप हलवा बनाना चाहें। पहले मैं इसमें इसी कटोरी से नाप के दूध ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, एक कटोरी दूध और मैंने ऐड कर दिया। यहाँ मैंने दो कटोरी दूध डाल दिया है और मैं इसमें एक कटोरी कम से कम पानी लगाऊंगी। ये देखिए, आप चाहें तो पूरा, अगर दूध में बना रहे हैं तो आप तीन कटोरी दूध लगा सकते हैं एक कटोरी सूजी में, और अगर आप पानी से बना रहे हैं तो आप एक कटोरी सूजी में तीन कटोरी पानी लगा सकते हैं। और एक कटोरी मैंने सूजी ली थी तो एक कटोरी ही मैं यहाँ चीनी ले रही हूँ। इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी जिससे अच्छे से ये जो चीनी है वो मेल्ट हो जाए, और इसे हम चला देंगे एक बार। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में बॉयल आने देंगे हमें। एक उबाल जब इसमें आ जाएगा तब हम सूजी इसमें मिक्स करेंगे। मैं यहाँ पर दूध में बना रही हूँ, आपको जैसे मैंने बताया आप पानी में भी इसे बना सकते हैं, लेकिन जब हम दूध में हलवा बनाते हैं तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दूध में हलवा बनाने पर। ये देखिए फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ चुका है, अब हम इसमें सूजी ऐड कर देंगे। हम इसमें सूजी ऐड करेंगे। ये देखिए, सूजी ऐड कर दी, इसको चला देंगे बिल्कुल, मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी हलवा बनने वाला है। ये देखिए, इस तरह से चलाएंगे।
मेरे पास ये ड्राई फ्रूट्स हैं, मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी, लेकिन सारे नहीं करेंगे, कुछ बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। आलमंड्स हैं मेरे पास, इन्हें ऐड कर देंगे। इसी तरह से किशमिश है, इसे ऐड करेंगे। और ये जो घी है हमारे पास, देसी घी, इसे हम ऐड करेंगे, लेकिन सारा नहीं करेंगे, आधा हम इसमें ऐड कर देंगे और आधा हम बाद में डालेंगे। गैस मीडियम फ्लेम पर है और इसे यूं ही पकाएंगे हम। एक बार अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें बाकी का बचा हुआ जो घी है वो ऐड कर देंगे। ये देखिए, इसे मिक्स करेंगे हम, जिससे घी सब में, पूरे हलवे में अच्छे से मिक्स हो जाए। एक कटोरी हलवे में मैंने एक कटोरी देसी घी लिया है, एक कटोरी सूजी में, मतलब ऑयल को आप अपने अकॉर्डिंग, घी को आप अपने अकॉर्डिंग कम बढ़ कर सकते हैं। इसी तरह शुगर को भी आप जितना आपको पसंद हो उतना ऐड कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हलवा बनके रेडी है। गैस को हम ऑफ कर देंगे और अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। इस हलवे को सर्व करने के लिए मैंने यहाँ पर ये बड़ा बोल लिया है, इसमें मैं सर्व कर लूंगी। आप चाहें तो प्लेट में भी सर्व कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हलवे को हमने सर्व कर लिया है, अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे। गार्निशिंग हम यही ड्राई फ्रूट से करेंगे। इस तरह से सब पे इसे स्प्रिंकल कर दीजिए। अगर बड़े बड़े ड्राई फ्रूट्स हैं तो आप इसे लगा सकते हैं ऊपर से, अगर किसी पार्टी में आपको सर्व करना है या किसी गेस्ट के सामने। काजू मैंने लगा दिए हैं, थोड़े से बादाम मैं इसमें स्प्रिंकल करूंगी, और यहाँ मेरे पास किशमिश है, इन्हें भी ऐड कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सूजी का यम्मी टेस्टी हलवा बनके बिल्कुल रेडी है। बहुत ही अच्छा हलवा बना है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। और इसी तरह आप भी अपने घर पे अच्छे से हलवा बनाइए और हर चीज का बैलेंस रखिएगा। आई एम श्योर हलवा बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, सबके साथ शेयर करना ना भूलें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, लव यू।